इंसान आए दुनिया से बात किए ऐसे ना मेरे लेकर और आखिर भाई मैंने शायद गलत नाम दे दिया फाते ना आयशा मारिया और आखिर कुछ सुना सुना लग रहा है ना। Now, Times Now SIT investigation exposes the forceful conversion shocker, which is allegedly taking place in parts of Maharashtra. Hindu girls are being lured and forcefully converted, allegedly, by the Muslim men. Supreme Court on Monday said that forced religious conversions are very dangerous and may affect the security of the nation and freedom of religion and conscience. We brought you a shocking report on a conversion racket in Bihar's Chapra. In part two of our expose, we travel to another village and find the same story. Uttar Pradesh police ne ek aise giroh ko pakda hai jo Hindu dharm ke logon ka Islam mein parivartan karwate the, dharm parivartan karate the, aur ye log khas taur par mook badhir mahilaon aur gareeb logon ko nishana banate the aur inhe paise ka lalach dete the. But this group, particularly in Kerala, has consistently denied accusations of religious conversions, of hawala funding, which they face again now, by the way, of murderous assaults and terror links. A well-oiled racket for religious conversions, mushrooming in Kerala under the facade of charity. Is Hadia's case then only the tip of the iceberg? केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्ययन के अकेले अक्टूबर आते आते 4,500 लड़कियों को टारगेट किया गया है अकेले केरला में फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। वहीं पर हिंदू जनजाति समिति कहती है कि अकेले कर्नाटक में 30,000 लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यह वही समय था जब लव जिहाद पहली बार भारत की मिट्टी में आया। नवंबर 2022 एक मूवी का टीजर लॉन्च होता है और इसे अटेंशन और इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। थोड़े समय बाद इसी मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है 2023 को और तभी ये मूवी नेशन वाइड डिबेट का टॉपिक बन जाती है। इसमें तो कन्वर्शन हुई है लड़कियों का मेंटल ट्रॉमा कैसी होती है इसके बारे में वेरी क्लियरली डिपिक्ट किए हैं। नेगलेक्ट करने की विषय नहीं है। एक और सोनिया सेबास्टियन, एक और श्रुति, एक और अनखा आधिरा चित्रा नहीं बनना है हमारे समाज में। आतंक की साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई, आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तो केरला स्टोरी के बारे में। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। जब पेनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? बहुत सारे लोगों ने गद्दार और बॉयकॉट करने के नारे लगाना शुरू कर दिए। कुछ पॉलिटिशियंस ने तो ये भी कहा कि ये मूवी फेक फेक पब्लिक को दिखाकर एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, पर वो शायद ये बताना भूल गए कि धुआं भी वही होता है जहाँ आग लगती है। तो ये केरला की रेडिकलाइजेशन की स्टोरी सही है या नहीं, या केरला के आगे सारी स्प्रेड की स्टोरी सही है नहीं, ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कहानी क्या है। तो ये मूवी उन तीन लड़कियों की कहानी है जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से ब्रेनवॉश किया जाता है, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है, उन्हें तौर तरीके सिखाए जाते हैं, इसके बाद उन्हें भेज दिया जाता है सीरिया और अफगानिस्तान हल्के साइकिल फाइटर से शादी करने के। अब ये हो सकता है कि ये मूवी कुछ चीजों को बायस तरीकों से दिखाए, मगर कुछ पॉलिटिशियंस ने तो मूवी देखने से पहले ही इसको बॉयकॉट और बैन करने के नारे लगाने शुरू कर दिए, वो भी सिर्फ ट्रेलर देखकर। ऐसा क्यों है?
तो इसका मेन रीजन तो यही है कि हमें मेन स्ट्रीम में केरला की बहुत पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, जहाँ उसका सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है और एजुकेशन और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, मगर कोई उसके डार्क साइड के बारे में नहीं बात करता है। अब यार देखो, केरला जितना एक्सट्रीम पर गुड है उतना ही एक्सट्रीम पर बैड भी है, तो आज मैं बात करता हूँ उसके डार्क साइड के बारे में। पर अगर केरला का लिटरेसी रेट इतना हाई है, उनको एजुकेशन और डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्चा होता है, तो वो इतने इजीली रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? आई कैसे शुरू हुआ? आई ये जानते हैं। तो रेडिकलाइजेशन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि केरला और इस्लाम की साथ में क्या है। तो जैसे कि हमें पता है नॉर्दर्न इंडिया में इस्लाम आया था और सदर इंडिया में इस्लाम आया था ट्रेड व्यापार के, और इसके पहले भी केरला के इस्लाम के रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो सेवन सेंचुरी से आपस में व्यापार कर रहे हैं। अब इंडियन खुदू से गौर से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उन्होंने इस्लाम को भी अपने रीजन में बहुत ही पीसफुली वेलकम किया। धीरे धीरे उन्हें एक जगह भी दी रहने के लिए और इस्लामिक पॉपुलेशन सदर इंडिया में सेटल होना शुरू हुआ। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण पूरी पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन उठकर नॉर्दर्न केरला में सेटल हो गई और उन्हें एक नाम दिया गया जो कि था मक्का मस्जिद, इसका मतलब होता था ग्रेट चाइल्ड। और थोड़ा टाइम बीता, मेडिकल पीरियड शुरू हुआ और मुस्लिम लीडर्स भी इमर्ज होना शुरू हुए, और ये सारी सारी रेडिकलाइजेशन की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। अरे वेट वेट, बात अभी खत्म नहीं होती है। मैंने अभी आपको टीपू सुल्तान और उसके बाप हैदर अली का कारनामा तो बताया ही नहीं। तो केरला पुराने टाइम में दो रीजन से कवर्ड होता था, पहले रीजन का नाम था अरक्कल जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था और उसके राजा का नाम था अरिराजा, दूसरा एम्पायर था कोला देवी जो कि एक हिंदू एम्पायर था और बहुत ही पीसफुल तरीके से रहता था। अब हैदर अली के मन में जाता था और उसने कहा कि मुझे ये पूरा का पूरा मालाबार रीजन चाहिए और नेचुरल यूज का पहला टारगेट पर किया कोला देवी के हिंदू एम्पायर। जब हैदर अली ने बोधिया राजा को धोखा देकर पूरे के पूरे मैसूर पर कब्जा जमा लिया, तब अली राजे की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। वो गया हैदर अली के पास और उसने एक्सपेक्ट किया कि वो उसकी पूरी सेना दे दे ताकि वो पूरा का पूरा मालाबार रीजन कैप्चर कर सके। हैदर अली ने अली राजा को अपनी सेना का पूरा असिस्टेंस दिया और दोनों ने मिलकर पूरा मालाबार रीजन कोला देवी रीजन कैप्चर किया, पर अनफॉर्चुनेटली हैदर अली पूरा का पूरा मालाबार रीजन कैप्चर नहीं कर पाया। और वहीं पर पिंक करना आता है उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू ने हाई प्रोसिक्यूशन किया, लोगों को जबरदस्त विवेक खिलाया, उन्हें कन्वर्ट किया इस्लाम में, उनके मंदिर का तोड़ दिए और इसी की वजह से 1791 तक हजारों आयर्स को और कुछ 3000 ब्राह्मणों को भी रीजन कोला जाना हुआ। और ये सब टीपू सुल्तान की मौत के बाद भी जारी रहा और इसके सबूत हमें मिलते हैं 1921 कोला मैजिकल की वजह से। जब वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स ने ताइवान को हरा दिया था, वो इस्लाम का खलीफा का सेंटर हुआ करता था। अब ब्रिटिशर्सों ने वहां से उठाकर फेंक दिया और इसकी वजह से इंडिया में बड़े मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो ब्रिटिशर्स का ही प्रोटेस्ट करने लगे। उनका रीजन ये था कि वो इस खिलाफत को वापस लाएंगे, खिलाफत मूवमेंट को चलाएंगे। पर यार अब ताइवान के मुसलमान और मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को इस मूवमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उनको नहीं चाहिए था खलीफा वापस आए, तो ये मूवमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। और इसी फेलियर का फ्रस्ट्रेशन निकला हिंदूज पर, उन्होंने ये मान लिया था कि वो पूरे के पूरे मालाबार रीजन को एक खलीफा में कन्वर्ट कर देंगे। उन्होंने हिंदुओं को एक चॉइस दी, इस्लाम या फिर डेथ। तो बहुत से लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट भी किया और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया, और ये कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं था, डेथ का बहुत बड़ा नंबर था। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, वीर सावरकर जैसे लोगों ने इसको बहुत बड़ा एंटी हिंदू मैसेकर भी कहा है। पर हमारे किसी देशों को क्या है, उसमें तो ये एक छोटा सा रिलीजन है और उसके बाद हर डेकेड में इस्लामिक कन्वर्जन होते हैं। और इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मेरा क्या मोटिव था? मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि कितने पुराने टाइम से इस्लामिक आइडियोलॉजी को हिंदू पर कितना ज्यादा फोर्स किया जाता है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। काउंट द बिलीवर्स लाइक इसका मतलब कि रेडिकलाइजेशन वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है, ये बहुत पुराने टाइम से होता हुआ आ रहा है और आज भी चल रहा है। तो ये आईएसआईएस ब्राइट की जो कहानी है क्या ये सच है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके दशक में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आया जो काफी ब्रूटल और डेंजरस है। उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड पर कब्जा कर लिया मिडिल ईस्ट में और उसी टेरिटरी पर कैलिबेट डिक्लेयर कर दिया गया। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही मॉडल था,
I said in its dossier on the Popular Front of India. The dossier read, the PFI is running a religious conversion facilitation center called Saktisarani. Although PFI claims that institution only provides knowledge on Islam, it functions as a religious conversion center. Islamic studies is just a facade. In reality, the PFI's Saktisarani, also called the Markazul Hidaya, is a full-time religious conversion center. Word coming in from the Supreme Court, the decision is that the ban needs to be lifted in West Bengal. But तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है
ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आर यू ट्राइंग टू से Until next time.